मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको इस बीच लेकर आया हूं। मीडिया, मैं जो बार बार दिखाता हूं कि मैं मीडिया हूं, मैंने कल एक रिपोर्ट लगाई थी। अब फेसबुक ने साफ साफ कहा है कि जो फर्जी खबरें हैं उसको फैलाने में बीजेपी सबसे आगे है और फैक्ट फाइंडिंग वो नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए बीजेपी ने किस कदर से सोशल मीडिया का भी दोहन किया है, और फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप पर तो उन्होंने यूनिवर्सिटी खोल रखा है। तो यह फेसबुक भी कह रहा है कि सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अफवाह फैलाते हैं। अब भारत की जो मीडिया है, टीवी, अखबार है, वो ऑलरेडी समर्पण कर चुका है, उसके से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो बहुजनों को ये बात समझनी पड़ेगी। वही दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी के कोयला मंत्री, जब वाजपेयी की सरकार में रेव कोयला मंत्री थे, उनको सजा हुई है। सोचिए वो भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए गए, दिलीप भोसरे। अब आप कल्पना कीजिए कि बीजेपी का एक पूर्व मंत्री सजा पा रहा है, उसको भ्रष्टाचार के आरोप में सजा मिला है, लेकिन इसकी चर्चा मीडिया पर नहीं होगी क्योंकि चुनाव चल रहा है, बिहार में चुनाव हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि बिहार में सीएम तो बीजेपी का ही होगा, नीतीश कुमार दिल्ली सेट किए जाएंगे, अगर अधिक सीटें बीजेपी जीतती है तो सीएम जो है वो बीजेपी का होगा, गिरिराज सिंह हो सकते हैं, तो अगला यूपी बन सकता है बिहार, इस तरह की उन्होंने संभावना जताई है। पहले दौर के इलेक्शन में अब सिर्फ दो दिन का समय बचा है, 26 अक्टूबर है, 27-28 को वोटिंग है, उसके बाद एक बड़ा खुलासा है। तो नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा लगातार ओबीसी के लोगों को कहना चाह रहे हैं कि आपका सीएम नहीं होगा। जो पिछड़ों का आंदोलन था यहाँ, लालू, रामविलास और नीतीश की जो राजनीति थी, जिसमें कम से कम कोई पिछड़ा, कोई दलित ही सीएम बन सकता था, उसमें उसको तोड़ने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी अगर चिराग पासवान के जरिए जो वो खेल खेल रहे हैं वो साधने में सफल होते हैं। आप सोचिए कि अगर इस, ये मेरे ग्राउंड रिपोर्ट से ये साफ है कि किसी भी कीमत पर दलित समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते हैं, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते हैं, यादव बीजेपी को वोट नहीं करना चाह रहा है, कुशवाहा, पिछड़े समाज में भी बहुत सारे धारा है जो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में जब कुशवाहा अलग लड़ रहे हैं तो वो वोट जो आरजेडी के साथ जाता है वो कुशवाहा को जाएगा। अब चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दलित समाज का जो वोट होता है वो बीजेपी को ना जाकर आरजेडी को जाता, तो वो अलग लड़ रहे हैं। तो बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली, इसलिए लोग कह रहे हैं कि मायावती हो, ओवैसी हो और उपेंद्र कुशवाहा, इस गठबंधन को बीजेपी ने करवाया है क्योंकि उससे पता था कि उसकी हार तय है। वही लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी ही अलग लड़वा रही है ताकि दलित जो नाराज हैं वो अगर बीजेपी को ना दे वोट तो वो आरजेडी के साथ ना जाए। तो ये एक पूरा खेल चल रहा है बीजेपी का, साम दाम दंड भेद सब चल रहा है, लेकिन असली नज़र अब मीडिया के सहारे आपके घरों तक पहुंचने की है। जिस तरह से 26 तारीख को ऐड दिए जा रहे हैं, 25 को ऐड दिए गए हैं, 27 तारीख को ऐड दिए जाएंगे, 28 तारीख को ऐड दिए जाएंगे, तो ये मीडिया से जो गठबंधन है, जो मैं दिखा रहा हूँ कि मैं मीडिया हूँ, ये देखिए मैं मीडिया हूँ मतलब मैं बीजेपी हूँ, तो मोदी को हराना है तो आपको मीडिया को हराना होगा, जो कि दिख नहीं रहा है। तो एक बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी है और हो सकता है कि एक लेकिन सबसे खास बात है कि ग्राउंड पर जो आम लोग हैं वो इस खेल को समझ रहे हैं, उनको लगता है कि चिराग पासवान को अगर हम वोट नहीं देंगे तो उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और ओवैसी के गठबंधन को देंगे तो भी बीजेपी को फायदा हो रहा है, ये समझ तो लोगों में बनी है सोशल मीडिया की वजह से। नतीजे 10 तारीख को आएंगे, पता चलेगा, लेकिन नुकसान ज़्यादा आरजेडी का होता दिख रहा है ऐसे में। लेकिन जिस तरह से आरजेडी का समर्थन है, जिस तरह से मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, बियॉन्ड द कास्ट लाइन, यादव तो हैं ही उनके साथ, पप्पू यादव कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं यादवों को तोड़ने में, तो वो फेल होते दिख रहे हैं, लेकिन कुशवाहा और दलित और मुसलमान का वोट जो है वो काटने में अगर उपेंद्र कुशवाहा सफल होते हैं और ओवैसी का और मायावती का गठबंधन, तो बीजेपी को डेंट लगेगा। लेकिन लोजपा जो है वो सफल होती दिख रही है, वो डेंट करने जा रही है, कई जगह पर ऐसा भी होगा कि वो बीजेपी को नुकसान करे, क्योंकि जहां उन्होंने सवर्ण कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सवर्ण समाज के लोग इतने भोले नहीं है, वो बहुत होशियारी से वोटिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा डेंट जो है वो आरजेडी की हो रहा है। लेकिन ये तय है कि दलित और मुसलमान जो है इस बार बिहार में वो किसी को भी वोट दे सकता है, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, इतना तो हो रहा है। उसके लिए बीजेपी के पास रणनीति है कि चिराग उस वोट को ट्रांसफर अगर बीजेपी के पास नहीं आता है तो आरजेडी के साथ ना जाए, वो चिराग को मिल जाए, तो ये कोशिश भी वो कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ 10 तारीख को होंगे, जनता बहुत समझदारी से काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से समर्थन मिल रहा है तेजस्वी यादव को, जिस तरह से लोगों में उत्साह है, वो कुछ अलग ही संकेत कर रहे हैं।
तो सब कुछ साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है। और पहली बार पिछले 30 साल में कोई सवर्ण सूबे का बिहार का सीएम होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या राय, आप लोग बिहार से हैं तो अपना कमेंट जरूर कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।